गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह के 10 बज रहे हैं, दिन है थर्सडे और भाभी और मैं जा रहे हैं मंदिर में पूजा करने के लिए, क्योंकि आज विष्णु भगवान, बृहस्पति महाराज और केले की पूजा की जाती है। और मेरा बेटा भी सुबह सुबह नहा लिया है, वो भी हमारे साथ ही जा रहा है। और घर के सामने ही जो स्कूल है, हम उसी में जा रहे हैं पूजा करने के लिए, क्योंकि बहुत प्यारा सा मंदिर बना हुआ है उसमें। बाकी हम भीड़ भाड़ वाले इसलिए नहीं जा रहे हैं दूसरी जगह, क्योंकि और लोग भी पूजा करने के लिए आते हैं और स्कूल अभी बंद है, इसमें बहुत कम ही भीड़ होती है। और शुरू से हम इसी में जाते हैं क्योंकि पास की पास हमारे घर के सामने ही पड़ता है ये मंदिर। किसी दिन मैं आप लोगों को जरूर दर्शन कराऊंगी। और मंदिर से आने के बाद हम चाय पी ही रहे थे कि एकदम से मौसम चेंज हुआ और ये देखिए ठंडी ठंडी हवा चलने लगी और कुछ बूंदे भी आ गई हैं। तो मैं जल्दी से भागी कपड़े उतारने के लिए, और ये कपड़े हमने कल धोए थे रात में, और क्योंकि आज थर्सडे है इसलिए हम कपड़े नहीं धोते हैं थर्सडे वाले दिन। और मौसम सच में बहुत प्यारा हो गया है, बहुत प्यारी हवा चल रही थी। और ये देखिए पड़ोस वाली भाभी भी आ गई हैं अपने कपड़े उतारने के लिए, और ये मुझसे बोल रही थी, अभी मैं कपड़े डाल के गई थी और एकदम से ये देखिए मुझे फिर से उतारने आना पड़ा। और ईश्वर की चलाई हुई हवा के आगे कूलर, एसी सब की हवा फेल है। सच में इतनी प्यारी हवा चल रही है, ठंडी ठंडी, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और मुझे अपने मायके में सबसे अच्छी बात ये लगती है, यहाँ पे बहुत ही खुली खुली जगह है, दिल्ली में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती है, हर जगह भीड़ भीड़, ट्रैफिक ही ट्रैफिक। तो यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही खुला खुलापन है। और चाय पीने के बाद हम छत पर आ गए थे, मौसम देखिए कितना प्यारा हो रखा है, ऐसा मन कर रहा है कहीं घूमने चले जाएं। और सच में कॉलेज और स्कूल की याद आ गई, ऐसे मौसम में भीगते हुए आते थे कितना अच्छा लगता था। और ये देखिए ऐसे मौसम का मजा लेने के लिए पूरी बंदरों की फौज भी आ चुकी है। और बारिश तेज आई तो सच में आज मैं बारिश में जरूर नहाऊंगी, और आज मेरे बच्चे भी कह रहे हैं अगर बारिश आई तो हम भी नहाएंगे। तो ब्लॉग में बने रहिएगा, सच में देखिए बारिश एकदम से तेज आ गई और ये ट्रेन भी आ चुकी है। और पीछे का नज़ारा देखिए, जैसे पहाड़ों में होता है ना, धुंध धुंध सी छा गई है। और मौसम बहुत ही ज़्यादा सुहाना होता जा रहा है, बारिश तेज होती जा रही है। मेरा बहुत दिन से मन था बारिश आए तो मैं नहाऊं, और सच में आज बारिश तेज आ गई। और ये देखिए मेरा बेटा कितना एंजॉय कर रहा है, और बहुत ही अच्छा लग रहा था। और अभी मेरी बेटी भी एंजॉय करने आने वाली है, मैं भाभी को भी बुला रही थी लेकिन उन्होंने साड़ी डाली हुई है आज, तो वो कह रही थी सारे कपड़े भीग जाएंगे फिर सिर धोना पड़ेगा, लेकिन बस आज मेरा तो मन था इसलिए मैं तो नहीं रुकूंगी भाई। और बच्चे देखिए कितने अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, बारिश का पूरा मजा ले रहे हैं, यही होता है बचपना। और एक उम्र में आके हम ये चीजें भूल जाते हैं, सब चीज एंजॉय करना छोड़ देते हैं, बट आज की जो डेट है उसमें हमें अच्छे से एंजॉय करना चाहिए, ताकि हमें ये अफसोस ना हो कि भाई हमने अच्छे से बच्चों के साथ एंजॉय नहीं किया, ये टाइम अच्छे से हमने नहीं बिताया। और मेरे बेटे को देखिए फुल मस्ती, और ये देखिए दोनों को, अब दोनों को फुल मस्ती छा गई है। और सच में जिस तरीके से बीमारी आई थी, सब कुछ भूल के हमें अच्छे से एंजॉय करना चाहिए, टाइम का कुछ नहीं पता कब क्या हो जाए। और मैं भी देखिए यहाँ पूरा मजा ले रही हूँ। और पानी में इस तरह खेलने का अलग ही मजा है, बहुत से लोगों ने ये काम जरूर किया होगा, बारिश में खूब खेले होंगे, नहाए होंगे, तो किस किस को अपने दिन याद आ गए। तो आज तो मैंने सिर्फ फुल मस्ती ही दिखाई है बारिश की। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को आगे शेयर भी कर दीजिएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा।